हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। Thank you.
मिल जाऊंगी। अब तो प्रतिदिन का धंधा रहा दिन को मांगना, शाम को कहीं भी खाके सो जाना, जहाँ शाम हो जाएगी वही मेरा रात गुजर होगा। अब जा रहे बच्ची में प्यारे के सजे के हुआ प्यारे के सब के हुआ अपनी जन्नत की पास होना के लिए वो जख्म बना।
अखबार में ये पढ़ा था कि बिजनौर खाने की फांसी होने वाली थी। चाचा जी, तुम लोग बचे कैसे? चाचा जी, जो आप पढ़े थे और जो भी सुने थे वो बिल्कुल बात यथार्थ थी, लेकिन जेलर साहब ऐसे नेक इंसान मिले कि हमें और बिरजू को रिहा कर दिए। रिहा कर दिए? ऐसा ना हो मेरे भाई, रिहाई करने के बाद पूरे गिरोह के ऊपर काउंटर की नजर क्यों न रखे? नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जेलर साहब बहुत ही नेक इंसान है। अच्छा, और वो अपने बीच में सरदार के रूप में आएंगे। सरदार के रूप में? जी हाँ, सरदार के लिए हम दोनों की सलाह भी देंगे। जी हाँ।
काफी दिन परेशान से हो गया। आज मुझे अपने घर की याद आ रही कि मेरा बेटा बनारस गया, वहां जेल हो गया होगा। मेरा घर द्वार सब कभी ने अपने नाम करा लिया है, लेकिन ये सब मुझे देखने को कहां मिलेगा भगवान। मेरा तो सब कुछ मिल गया, कुछ नहीं गया। गुलशन का मीर जमींदार बलबीर सिंह और दरोगा माधव सिंह है।
का मालिक ठाकुर बलवीर हो गया, मुझे घर से बेघर कर दिया बेटा। मैं भी एक मांग रही हूँ, दस हजार खा रही हूँ, तुम्हें चाहिए। आज से दिन बाद आओ बेटा, मेरी आत्मा शांत कब होगी जब अपने बाप का बदला तुम चुकाओगे। मेरी तुम्हारी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब मैं अपने बाप का बदला चुकाऊंगा। लेकिन मुझे नौकरी नहीं करना चाहिए। नौकरी क्या करना है? पहले का मतलब माँ ललिता जी। ठाकुर बलवीर सिंह कभी दुखी नहीं रहता।
तो इसमें आपको समझ आता है, इसी बात पे चलो गंगा सिंह को गिरफ्तार किया जाए, गंगा सिंह साला जाए भगवान से लड़े। मतलब तुम गंगा सिंह के चक्कर कितना सुहाना मौसम है। हाँ, आसमान चक्कर में है, आसमान चक्कर में है, चक्की का चक्कर, मैं तो खुद चक्कर अपना रुका रहा हूँ। नहीं समझी, जब तुम्हारे बापू ने कहा था कि बेटी ललिता को अपना बेस बदल कर जाओ ठाकुर वादी ऋषि के साथ, तुमने क्या कहा था कि इस कमीने ठाकुर के साथ मैं नहीं जाऊंगी। तब मैं कमीना नहीं था, कमीना तो अब बल के निकली, कमीना किसे थे? एक बात तार खोल कर सुन ले, एक नहीं तो मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की ना समझना। अगर ये इंस्पेक्टर का हाथ उठ गया हो तो जो लंगूर जैसी शकल लिए हो बेकार हो जाओगे, समझ लेना। मैं ठाकुर को चुटकी बजा कर भगाना चाहती हूँ। चुटकी नहीं बजाऊंगी, चुटकी नहीं बजाऊंगी, उतारूंगी संजल और सैकड़ों संजल सर पे मारूंगी। धन्यवाद लड़का जी, कहाँ भूल गई हो, बचपना से लेकर जवानी तक और बुढ़ापी तक ठाकुर जूता चप्पल खाते खाते चकला हो गया है। अब बोलो, मैं कसम खाया हूँ। क्या कसम खाया? कि जब तक तुम्हारे साथ बलात्कार नहीं करा तब तक ठाकुर वापस नहीं जाएगा, और तुमने मेरा अपमान किया है। एक मेरा ख्वाब कभी नहीं पूरा होगा, आज तो सपना साकार होगा ललिता जी, और तुम्हारा पाप सपना देखे। हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।